हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। सेमीफाइनल जैसा एक बड़ा इवेंट है, इसलिए आज एक खास एपिसोड आपके लिए लाए हैं। पटना पायरेट्स, यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली और बेंगलुरु बुल्स, कौन आज आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, यही बात आज हम करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन अ स्पेशल एपिसोड ऑफ द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई। रोहित भाई, सेमीफाइनल लाइनअप आ चुका है। हमने प्रेडिक्ट किए थे कि बहुत क्लोज मैचेस होंगे प्लेऑफ्स के पहले जो दो मैचेस होंगे, मगर एक तरीके से देखा जाए तो यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स ने काफी आसानी से अंत में अपने मैचेस जीत लिए थे। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? सर भाई, पहले तो मैच की बात करेंगे, पुनेरी पलटन की मैच की बात करेंगे। तो वो था यूपी योद्धा के साथ मैच, तो मुझे कहीं ना कहीं उस मैच में एक तो रेडर्स का ज़्यादा ना चलना और सबसे बड़ी बात कि सी टीम में सीनियर प्लेयर का ना होना ही एक मुझे थोड़ा सा एक बहुत बड़ी बात ये घटती है, क्योंकि एक टीम में सीनियर प्लेयर होना बहुत ज़रूरी था, एक या दो सीनियर प्लेयर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक क्रूशियल मैच में सीनियरिटी ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती है। आप चाहे कोई भी टीम ले लीजिए, आप देखिए जैसे कि यूपी में भी परफॉर्म किया, बेंगलोर बुल्स में देखो उसमें भी सीनियर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं जब ये डू एंड डाई मैचेस होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होल्डर्स प्लेयर होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि कैसे हर चीज़ को टैकल करना है, हर चीज़ को कैसे। आप देखो जैसे कि कल के मैच सुमित ने बहुत कम गलतियां करी, महिंदर ने बहुत कम गलतियां करी, अच्छा परफॉर्मेंस किया। पर प्रदीप अग्रवाल जो अपनी परफॉर्मेंस से इतने टाइम से जूझ रहे थे, उनने कल अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखो कि यंगस्टर प्लेयरों का जब ये नॉकआउट आता है तो कहीं ना कहीं उनका भागीदारी थोड़ी कम हो जाती है। अब कोई भी कल देखो भरत भी इतना भी कल भरत नहीं चले, इतने एंकल सक्सेस नहीं हुए उनके। तो कहीं ना कहीं मैं ये कि मोस्ट सीनियर प्लेयर अंदर होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा सोचें कि सारी टीम यंगस्टर खेलेंगे तो ये यंगस्टर अच्छे होते हैं, मतलब स्पीड होती है, सब कुछ होता है, यंग होते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है, जो बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत जरूरी है टीम में, तो वो कहीं ना कहीं दोनों टीमों में वो चीज़ खली है। बिल्कुल रोहित जी, आगे के मैचेस की प्रीव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के खास जो हमारा स्पेशल एपिसोड है उसमें भी हम स्पोर्ट्स अड्डा की बहुत सारी मर्चेंडाइज दे रहे हैं। और मैं हमारे सब जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि ये हमारा सेकेंड लास्ट एपिसोड होने वाला है कबड्डी अड्डा का, तो बस दो मौके बचे हैं कॉन्टेस्ट में हमारे भाग लीजिए, स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज जीतिए, लास्ट टू चांसेस बचे हैं। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत सी इजी चीज करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, विच इज द ओनली टीम टू हैव मोर अपीयरेंसेस इन द प्लेऑफ्स देन यूपी योद्धा, कौन सी एकमात्र टीम है जिनके प्लेऑफ्स में यूपी योद्धा से ज्यादा अपीयरेंसेस रहे हैं? थोड़ा मुश्किल थोड़ा आसान रोहित जी। जी बिल्कुल। तो रोहित जी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे मैच प्रीव्यू की तरफ। सेमीफाइनल है, दो टीम टेबल के टॉप में रहे इसलिए सेमीफाइनल में डायरेक्ट पहुंच चुके हैं और दो टीमों ने इससे पहले जो मैच खेला उसमें जीत हासिल की थी इसलिए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो आज हम सेमीफाइनल के दोनों मैचेस की बातें करेंगे। सबसे पहले आएंगे पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी योद्धा की तरफ। बहुत बड़ा मैच है रोहित भाई एक तरीके से, क्योंकि पटना पायरेट्स बिल्कुल टॉप की टीम रही है इस बार, अगर वो नॉकआउट हो गए तो फिर ऐसे समझ सकते हैं फाइनल में कुछ भी हो सकता है, फाइनल में रिजल्ट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब तक पटना पायरेट्स ही मुझे मेरे हिसाब से फेवरेट्स रहे हैं सीजन 8 जीतने के लिए। प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात करें, पटना पायरेट्स एक मैच जीत चुकी है और एक मैच हार चुकी है यूपी योद्धा के खिलाफ, और यूपी योद्धा बस चार टीमों में से एक है जिन्होंने इस सीजन में पटना पायरेट्स को हराया है, तो ये शायद एक फैक्टर हो सकता है कि इससे पहले पटना पायरेट्स को यूपी योद्धा हरा चुके हैं, मगर दोनों मैचेस बहुत क्लोज हुए हैं। जब पटना पायरेट्स जीते 2 पॉइंट से जीते, जब यूपी योद्धा जीते 1 पॉइंट से जीते,
यानी कंपटीशन बहुत टफ है दोनों टीम्स के बीच में, और सचिन तन्वर जो है उन्होंने दोनों मैचेस में सुपर 10 किए हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन तन्वर उनके लीड रेटर इस मैच में हो सकते हैं। रोहित भाई, इस मैच को आप कैसे जाते हुए देखते हैं? साहिल भाई, अभी जैसे कि जब भी पीछे जितने भी हमने जो क्वालिफाई मैचेस थे, जैसे पीछे या फिर कोई पॉइंट्स के मैचेस थे हमारे स्टार्टिंग मैचेस थे, तो उनको और अभी के सेमी में नॉकआउट में तो जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि इसमें दोनों टीमें प्रेशर में होती है, क्योंकि एक गलती छोटी सी भी गलती हुई तो एक टीम बाहर हो जाएगी, और ये ज़्यादा प्रेशर होगा पटना के ऊपर, क्योंकि पटना एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके हाई स्कोरर है और सबसे पहले उसे क्वालिफाई भी किया था, बहुत वेल सेटल्ड टीम है, तो कहीं ना कहीं उन भी प्रेशर होगा इस चीज़ का। बट कहीं प्रदीप की यूपी होता कि टीम अभी ये अच्छी हो गई है, दोनों कॉर्नर्स बेशक बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया है, प्रदीप दरवाल चल पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत टफ होगा, और सचिन और जो प्रशांत राय है इन पे ज़्यादा गेम निर्भर रहेगी मुझे लगता है, और सबसे बड़ी डिफेंस में अगर कॉर्नर्स दोनों चल गए तो फिर ये टीम बहुत ही वेल एंड गुड अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और काफ़ी अच्छा मैच होगा, ऐसा भी नहीं है कि जैसे सेमीज मैच हुए थे वैसा, तो मुश्किल है, तो काफ़ी क्लोज मैचेस होंगे। रोहित जी, प्रदीप नरवाल पिछले 3 सीजन पटना पायरेट्स के साथ खेल चुके हैं, राम मेहर सिंह के साथ काफी क्लोजली उन्होंने काम किया है, तो क्या ये कहीं प्रदीप नरवाल के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है कि राम मेहर सिंह ने उनकी ट्रेनिंग और जो फिटनेस है वगैरह सब देखी है और कहीं ना कहीं उनके मूव सेट्स को जानते होंगे? जी, ये तो बहुत ही क्लोज आपने बात करी है, क्योंकि जिनके पास इतने साल अपने प्रैक्टिस करी है उनकी वीक पॉइंट और अच्छे पॉइंट सब पता होता है उन लोग को, और मुझे ऐसा लगता है नहीं कि अभी कोई पूरी टीम, जितनी भी टीमें बाकी हैं, जैसे कि अभी पट्टा कप मैच है, तो अभी यूपी वालों को पता है कि उसकी गलती क्या है, क्या उसने सॉरी अपने दूसरी पटना टीम को ये पता है कि क्या उसने वीकनेस क्या है, वो पहले स्टडी करके आए, क्योंकि प्रदीप लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रदीप का चलना थोड़ा वो मुश्किल करेंगे, बट प्रदीप नरवाल के ऊपर डिपेंड है, जगह प्रदीप नरवाल चल पड़े तो उनके जितनी भी प्लानिंग करो सब फेल है, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने कॉर्नर होगी ईरानी, जो सबसे अभी मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, जैसे फैजल खेला करते थे अब वो खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, डिफेंस वालों के लिए, जो प्रदीप नरवाल को अगर वो टैकल करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा उनको मैच को विन करने। रोहित जी, आखिरी सवाल इस मैच से लेकर, पटना पायरेट्स इस बार 4 रेडर्स जो उनके मेन रेडर्स हम कह सकते हैं करके खेल रहे हैं, कौन से 3 रेडर्स स्टार्टिंग 7 में होंगे आपके हिसाब से, और कौन से रेडर को बेंच पे रखना चाहिए पटना पायरेट्स ने? गुमान सिंह है, मोनू गोयल है, प्रशांत राय और सचिन तन्वर, इन चारों में से। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत राय को बेंच पे थोड़ा बेंच पे रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे रेडर है जैसे कि महेंद्र राजपूत थे उस दूसरी टीम में, या फिर बेंगलुरु बुल्स में भरत है, क्योंकि वो स्कोर लाते हैं तो 3 या 2 स्कोर लाते हैं डेफिनेटली, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और टीम में मोनू गोयल, सचिन और एक रेडर ओवर है, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है टीम के अंदर, क्योंकि देखो ना, आपके एक्सपीरियंस होल्डर 2 प्लेयर ऑलरेडी टीम में है, उस टीम में कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, उसमें एक जो कोच साहब है वो भी बहुत इतने एक्सपीरियंस कोच है, और सबसे बड़ी बात कि मोनू गोयल इतने एक्सपीरियंस वाले हैं, सचिन इतने एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, तो वो टीम को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, तो उनको इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, बट प्रशांत राय को ऐसे मोमेंट में वो रेड दें कि जिसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं, प्रशांत राय बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको पता है कि किस मोमेंट में किस सिचुएशन में कैसे खेलना है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स प्रेशर थोड़ा कम लेते हैं। तो रोहित जी, अगर प्रशांत राय बेंच पर होंगे तो कैप्टेंसी किसके पास आप देखते हैं, मोहम्मद रेजा के पास या फिर मोनू के पास, सचिन के पास, कैप्टेंसी किसके साथ होगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है या फिर वो मोनू गोयल को देंगे या फिर वो प्रशांत राय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो कैप्टन है, और इस टाइम तो मैं आपको बताऊँ, इस टाइम तो कैप्टनशिप ये डिपेंड नहीं करता कि कैप्टनशिप किसके पास है, ये डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कौन देगा, क्योंकि ये नॉकआउट है, इसमें अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है पटना का। ओके, रोहित जी, दूसरे मैच की तरफ बढ़ेंगे, दबंग दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स, एक और बहुत बिग टिकट मैच है,
इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेंगलुरु बुल्स ने इस सीजन में दबंग दिल्ली से एक भी मैच नहीं हारा है। एक जो पहला मैच खेला था बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, मुझे लगता है सीजन 8 की सबसे बड़ी मार्जिन से उन्होंने दबंग दिल्ली को हराया था, और पिछला मैच जिसमें नवीन कुमार खेले थे वो भी टाई रहा था। पवन सेरावत में इस एनकाउंटर में 44 पॉइंट्स स्कोर किए हैं दो मैचेस में, यानी हर मैच में 22 पॉइंट्स का एवरेज उनका रहा है, और 27 रेड पॉइंट्स उन्होंने इसमें से एक मैच में स्कोर किए थे, और नवीन ने एक सुपर 10 किया है। तो स्टैट्स अगर देखें रोहित जी, बेंगलुरु के फेवर में है बहुत हेविली, मगर क्या आप देखते हैं कि मैच भी वैसे ही जाएगा? साहिल भाई देखो, पवन जो है वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भरत भी अब टीम में सेट हो गए हैं, और दूसरी ये बात कि जो जिस टाइम बेंगलोर बुल्स का अगर डिफेंस चला, जैसे वो कल लास्ट के हमारा क्वार्टर मैच क्वालिफाई मैच के बाद जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला है उन्हें, जैसे उनका डिफेंस चला है, अगर वैसा चले तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस चीज़ की, क्योंकि डिफेंस उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली में अगर नवीन थोड़े इंजर्ड हैं, इसमें रिकवरी कर गए होंगे तो थोड़ा सा नवीन के ऊपर ज़्यादा है, और दूसरा उनका विजय है, विजय मलिक, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर ये दोनों रेडरों को कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब दूसरी टीम के लिए जो है वो जीतना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि रेडर्स ज़्यादा वो है, क्योंकि संदीप नरवाल है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि संदीप नरवाल को ज़्यादा रेड्स करवानी चाहिए, क्योंकि संदीप नरवाल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे पीछे, जैसे जब नवीन के एब्सेंस में, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं संदीप नरवाल का भी इस मैच में काफ़ी यूज़ करना चाहिए टीम को, तभी वो विन कर सकते हैं बेंगलोर बुल्स से, क्योंकि बेंगलोर बुल्स इस टाइम अपनी बहुत अच्छे मॉरल के साथ, बहुत मतलब एक बहुत ही मतलब मोटिवेशन के साथ टीम में ग्राउंड में उतरेगी। और सबसे बड़ी बात कि पवन चल रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। रोहित जी, जैसे आपने नवीन कुमार की इंजुरी की बात की, पिछले सीजन में अगर हम देखें तो नवीन कुमार बैक टू बैक सुपर 10, सुपर 10, सुपर 10 ऐसे करके फाइनल में पहुंचे थे, तो फॉर्म उनके साथ था, एक जो मोमेंटम कहते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कबड्डी में कहीं ना कहीं, कि आप कैसे करते आ रहे हो और उसको आप फॉरवर्ड लेकर जाओगे। तो नवीन कुमार इंजुरी की वजह से काफी साइडलाइन रहे हैं, क्या ये सेमीफाइनल में एक फैक्टर हो सकता है? साहिल भाई, एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आप इंजर्ड हो और अब आपकी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि एक नी की इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जो बहुत जल्दी रिकवरी नहीं होता, उसके लिए कम से कम मिनिमम उसके लिए कम से कम 4 या 5 मंथ्स के आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने आप इंजर्ड हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डर होगा, या किसी प्लेयर के अंदर जो इंजर्ड है वो खेल रहा है उसके अंदर इंजरी का डर होगी, छोटी इंजरी बड़ी ना हो जाए, वो भी छोड़ो अगर वो भी दिमाग में नहीं होता, बट कहीं ना कहीं इंजरी वेट में बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता है अगर एक गाड़ी का एक टायर अगर बबलिंग करता हो तो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार और माइलेज में फर्क आता है, तो वही सेम प्लेयरों के साथ भी यही होता है कि कहीं ना कहीं नवीन वो चीज़ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो वो लास्ट सीजन में किया था, और अभी स्टार्टिंग के सीजन में अभी जो स्टार्टिंग के मैचेस में जो परफॉर्मेंस दिया था, अभी कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ लगी कि थोड़े स्लो दिख रहे थे, थोड़े इंजरी की वजह से थोड़ा इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का बेंगलोर बुल्स फायदा उठा सकती है। अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ रोहित जी, जो दबंग दिल्ली के दूसरे रेडर है विजय, जो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे उनका, वो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 4 पॉइंट से भी कम का एवरेज करते आ रहे हैं, यानी पिछले दोनों मैचेस में काफी टैकल हो चुके हैं, 4 पॉइंट भी नहीं स्कोर कर पाए हैं दोनों मैचेस में, तो क्या बेंगलुरु बुल्स ने कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग कर ली है विजय को लेकर, और ये दबंग दिल्ली को दिक्कत दे सकती है ये बात? बिल्कुल, क्योंकि दबंग दिल्ली का सबसे चिंता का विषय ये रहेगा कि महिंदर जो उनके लेफ्ट कवर हैं वो फॉर्म में आ गए हैं, लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको थोड़ा प्रेशर में रखेगी, और विजय का भी प्रेशर में रखेगी, बस बशर्ते अगर बेंगलोर बुल्स ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं खेले तो उनके लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, और रोहित जी, अगले सेक्शन में हम कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर्स की बातें करेंगे, मगर उससे पहले एक और बार सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज जीतने का ये आपका सेकंड लास्ट मौका है,
तो बस दो और मौके हैं, तो हमारे स्पोर्ट्स अड्डा के कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और ढेर सारी मर्चेंडाइज जीतिए। मर्चेंडाइज जीतने के लिए बहुत आसान चीज करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स में दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, विच इज द ओनली टीम टू हैव मोर अपीयरेंसेस इन द प्लेऑफ्स देन यूपी योद्धा, वो कौन सी एकमात्र टीम है जो प्लेऑफ्स में यूपी योद्धा से ज्यादा बार आई है। एक क्लू दे दूं, यूपी योद्धा के साथ साथ उस नंबर पर काफी टीमें हैं, मगर हमें वो टीम चाहिए जो यूपी योद्धा से आगे है। तो ये एक छोटा सा क्लू शायद हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। और जैसे हर एपिसोड में हम करते हैं, पिछले एपिसोड के विनर का नाम हम अनाउंस करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड के विनर रहे हैं श्रीकांत डी। तो अगर आपका हैंडल श्रीकांत डी है तो आप जीत चुके हैं स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज। और हमारे बाकी के भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा, आप भी कॉन्टेस्ट में भाग लें और स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीते। रोहित जी, अगले सेक्शन में बढ़ेंगे जो है हमारे गेम चेंजर्स। गेम चेंजर्स में हम ऐसे एक प्लेयर की बात करेंगे हर टीम से जो एक एक्स फैक्टर हो सकता है, शायद हाईएस्ट स्कोरर भी ना हो मगर एक जो एज है टीम को वो प्लेयर दिला सकता है। सबसे पहली टीम जो टॉप पर रही है टेबल के, पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स के लिए रोहित जी कौन गेम चेंजर रह सकता है? पटना पायरेट्स के लिए गेम चेंजर मैक्सिमम अगर आप इन टीम पूछे तो मेरे को तो सचिन कई टाइम ऐसे टाइम पर दूसरे स्कोर निकाल के लाए हैं, कई मैच में हमने दिया है। और प्रशांत राय भी इनके गेम चेंजर्स बन सकते हैं क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं, दो या तीन या बोनस लाने में उनके पास उनकी क्षमता है उनके पास। तो मुझे लगता है प्रशांत राय और सचिन ही ये गेम चेंजर है इस टीम। ओके, और दूसरी टीम की अगर बात करें जो उनके खिलाफ खेल रही है, यूपी योद्धा। काफी स्टार स्टडेड टीम है एक तरह से कह सकते हैं, दोनों कॉर्नर और उनके मेन रेडर, मगर एक्स फैक्टर यानी गेम चेंजर कौन होंगे उनके? यूपी होता मैं तो प्रदीप नरवाल ही है गेम चेंजर, और कोई इसमें मुझे लगता है नहीं कि जो इतना बड़ा स्कोर मतलब स्पोर्ट कर सकता है। जैसे कि लास्ट मैच में आपने देखा वो चार पांच पॉइंट ले आए, फिर दो तीन पॉइंट ले आए, तो ये उससे बड़ा गेम चेंजर और कौन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, प्रदीप नरवाल जिस टीम में है उस टीम में ऑब्वियसली प्रदीप नरवाल ही गेम चेंजर होते हैं। थर्ड टीम जो दूसरा मैच खेलने वाली है वो है दबंग दिल्ली केसी। उनके भी काफी सारे प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। गेम चेंजर आपके हिसाब से कौन होंगे रोहित भाई? मुझे दबंग दिल्ली में गेम चेंजर तो मुझे संदीप लगता है क्योंकि वो डिफेंस में भी बहुत काम करते हैं अगर वो तो उसमें अगर सेट हो जाए, और एक रेडिंग में भी वो अचानक सरप्राइज पॉइंट ले आते हैं और विजय भी काफी अच्छा सरप्राइज देते हैं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कहीं ना कहीं ये सरप्राइज करेंगे दूसरी टीम। ओके, और आखिरी टीम जो दबंग दिल्ली के खिलाफ खेलने वाली है, काफी अच्छा परफॉर्म करते आई है, वो है बेंगलुरु बुल्स। कौन होंगे बेंगलुरु बुल्स के गेम चेंजर रोहित भाई? बेंगलुरु बुल्स के गेम चेंजर हमेशा मेरे मतलब जितना हमने मैचेस देखे हैं अभी पीछे जैसे, तो मुझे तो भरत लगते हैं गेम चेंजर क्योंकि प्रदीप कहीं ना सॉरी पवन कहीं ना कहीं ओपनली रेड मारते हैं क्योंकि उनको पता है कि पीछे भरत है, कभी दूसरे रेडर है रंजीत, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा टेस्ट। तो मुझे रंजीत ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट मैचेस में उन्होंने जितने भी पुराने और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग खेला है, तो कहीं ना कहीं ये है और मुझे लगता है कि रंजीत और भरत ही गेम चेंजर्स होंगे। ओके, तो सारे गेम चेंजर्स के नाम तो आपसे जान लिए हैं, अब देखना है कि कौन से गेम चेंजर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आने वाले मैचेस में। अगला सेक्शन है जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है पॉइंट या एम्प्टी रेट। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इस सेक्शन में मैं एक स्टेटमेंट या एक वाक्य कहता हूं और रोहित जी अगर उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट या फिर वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेट। रोहित जी, पहली रेड इस बार की
ईरानी कॉर्नर मोहम्मद रेजा चियाने की जो एक एग्रेशन है, एक ईगरनेस है टैकल्स के लिए जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल के फेवर में वर्क कर सकती है। ये आपने, ये भी आपका एक पॉइंट है, क्योंकि अगर क्या होता है जैसे कि आप काफ़ी अच्छे मैचेस खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना सेल्फ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कहीं भी किसी को भी कैसे भी टैकल कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स की बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना या ओवर कॉन्फिडेंस होना भी हो कह सकते हैं आप इसको। तो मुझे लगता है उनको, प्रदीप नरवाल एक ऐसे प्लेयर है कि उनके साथ बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस को थोड़ा कॉन्फिडेंस की तरह रखना पड़ेगा, उसको ओवर ना करें। तो ये आपका पॉइंट है कि अगर वो प्रदीप नरवाल थोड़ा फायदा उठा सकते हैं उनको। ओके, और दूसरी रेड हमारी इस बार की, सेमीफाइनल में जीत के लिए यूपी योद्धा के लिए श्रीकांत जाधव एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। पॉइंट है कि श्रीकांत जब अभी उनको बेंच पे रखा जा रहा है आजकल मैचेस में, क्योंकि अभी आने वाले मैचेस में उनका ये यूज ही वो एज ए बेंच करेंगे, और मैंने वो करना एक रेट चेंजर की, मतलब मैच चेंजर के हिसाब से उनको खिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्हें सेकेंड लास्ट मैच में भी क्वालिफाई का जो मैच था उसमें भी उन्होंने ऐसे ही अच्छी रेट करके अपनी टीम को ऑल आउट बचाया था। तो मेरे ख्याल से कोच की वही सोच है कि अभी इन मैचों में श्रीकांत का यूज वो उस तरह ही करेंगे जिस तरह उन लोगों ने पिछले जैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं वैसे। ओके, इस बार की तीसरी रेड दूसरे मैच को लेकर, डिफेंस में बेंगलुरु बुल्स का बेहतर परफॉर्मेंस उन्हें दिल्ली के खिलाफ एक एज देगा। बिल्कुल, ये आपका पॉइंट है, और डेफिनेटली अगर बेंगलुरु बुल्स का अगर डिफेंस अच्छा खेलता है तो बेंगलुरु बुल्स विन करेगी। ओके, आखिरी रेड इस बार की, अब तक तीन में से तीन रेड सक्सेस हो चुके हैं, चौथी रेड, नवीन और पवन के कंपटीशन में जो भी दूसरे को पीछे छोड़ देगा वही टीम मैच जीतेगी। ये हाँ, ये आपका पॉइंट है, और ये तो बहुत ही एक कॉमन सा आपने सवाल पूछा है, अगर दोनों में से जो ज़्यादा स्कोर करेगा वही मैच जीतेगा, और मुझे लगता है कि ऐसा होता है, अगर पवन ने ज़्यादा स्कोर किया तो टीम जीती ही जीती है। तो मुझे लगता है कि वो जो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा दोनों की कंपटीशन में वो विन करने की चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो इस बार हमारे स्पेशल एपिसोड में जो चारों रेड है चारों सक्सेसफुल रही है, अब देखना है रिजल्ट्स पे इनमें से जो हमारी रेड्स है कितनी सच निकलती है या फिर क्या ये सारी रेड गलत निकलती है। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं रोहित भाई, मगर उससे पहले एक आखिरी बार सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस एपिसोड में अगर आपको स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीतनी है तो पार्टिसिपेट करें, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लास्ट के दो एपिसोड्स में हो, और उसके लिए आपको बहुत आसान चीज करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब कमेंट्स में हमें दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, वो कौन सी एकमात्र टीम है जो यूपी योद्धा से ज्यादा बार प्लेऑफ्स में आई है? हमारे इंग्लिश ऑडियंसेस के लिए रोहित भाई एक बार इंग्लिश में सवाल। ओके, व्हिच इज द ओनली टीम टू हैव मोर अपीयरेंस इन द प्लेयर्स प्लेऑफ्स देन यूपी योद्धा? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, और जो एक आखिरी मौकों में से एक है मर्चेंडाइज जीतने का उसे ना छोड़िए। रोहित जी, आखिरी सेक्शन में आते हैं, बहुत मुश्किल सेक्शन है, इसके लिए हमने आखिर तक रखा है, सारे डिस्कशंस हो गए हैं, अब प्रेडिक्शंस की बारी है, सेक्शन है राणा की रेड। सेमीफाइनल्स है, बहुत मुश्किल होगा रोहित भाई प्रेडिक्शन करना, मगर फिर भी जैसे आप अब तक करते आए हैं अपने एनालिसिस के साथ, काफी हद तक प्रेडिक्शन सही भी रहे हैं, तो देखते हैं सेमीफाइनल्स में आपके क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे। पहला मैच पटना पायरेट्स वर्सेस यूपी योद्धा। इसमें मुझे लगता है पटना पायरेट्स। ओके, कोई खास वजह इसकी? क्योंकि टीम सेट है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि
उनके जो कॉर्नर्स हैं वो भी अच्छा, कवर्स अच्छा खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी की बात की कि रेडर्स के अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नहीं कि मतलब 20-20 पॉइंट ले रहे हैं, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज अ प्ले मतलब गेम प्लान की तरफ खेल रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़। ओके, और दूसरा मैच जो होने वाला है दबंग दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। सर भाई मुझे लगता है इसमें मैचेस तो सारे टफ है, पर तो मुझे लगता है बेंगलुरु बुल्स कर देगा। ओके, और इसकी कुछ वजह रोहित भाई? सर भाई इसकी वजह ये है कि एक तो उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करने परफॉर्म लग गया है और काफ़ी अच्छा सेट हो गया है, और दूसरी बात की पवन अच्छा चल रहे हैं, सबसे खुशी की बात है कि रंजीत भी चलना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये टीम के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और भरत तो चल ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेंगलुरु बुल्स इसी यही इस चीज़ का यूज़ करके अपना विन करेगी इसलिए। ओके, तो आपके प्रेडिक्शंस हमने लॉक कर दिए हैं। पटना पायरेट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का फिनाले कहीं ना कहीं दिख रहा है, देखते हैं यही सिनेरियो होता है या फिर जो ऑपोजिट टीम्स हैं वो हमें पूरी तरह से सरप्राइज कर देते हैं, और यूपी योद्धा वर्सेस दबंग दिल्ली का जो फिनाले है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। यूपी योद्धा मुझे लगता है पहली बार फाइनल में पहुंचेगी, अगर पटना पायरेट्स को हरा दे तो टीम के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी, और दबंग दिल्ली पिछले साल एक क्लोज फाइनल हार चुकी है तो उनके लिए भी बहुत जरूरी होगा इस बार खुद को प्रूफ करना एक तरीके से। जी रोहित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। थैंक यू सोहेल भाई। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा आपके लिए आज का ये एक खास एपिसोड था, तो आप भी हमारे एपिसोड से अगर खुश है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब आखिरी एपिसोड आने वाला है फ्राइडे शाम को 6:30 बजे, और ये एपिसोड यूट्यूब पर लाइव आने वाला है, तो ये एक बहुत खास एपिसोड होने वाला है, और इसीलिए इसमें एक खास सरप्राइज भी आपके लिए होने वाला है, और ये सरप्राइज मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा सरप्राइज होगा, तो देखते हैं क्या सरप्राइज होगा। फ्राइडे को यूट्यूब पर 6:30 बजे मैच से पहले लाइव आकर हमें देखना बिल्कुल ना भूलिए, और वहां पे आपके जो सारे लाइव में सवाल है वो हम रोहित राणा जी से पूछ लेंगे। तो फ्राइडे को आप सबसे मिलते हैं, तब तक मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं हूं साहिल और ये था द कबड्डी अड्डा।